उदासीनता हृदय का ऐसा भाव है जहां हमें किसी बात में रुचि नहीं रहती, हम कोई कार्य करने के लिए उत्साहित नहीं होते। उदासीनता जब एक सीमा से बढ़ जाती है तो मन का रोग बन जाती है, मनुष्य जीवन से अधिक मृत्यु को पसंद करने लगता है। हम सब जीवन में कभी ना कभी उदासीनता का अनुभव अवश्य करते हैं। मन निराशा से भर जाता है और हम कार्य का त्याग कर बैठते हैं। अधिकतर हमारी उदासीनता कुछ समय के लिए ही होती है, इसलिए उससे होने वाली हानि को हम पहचान नहीं पाते। किंतु उदासीनता धीरे धीरे आदत का रूप धारण कर लेती है और हम बार बार उदासीनता के कारण हाथ में लिए कार्य अधूरे छोड़ देते हैं। क्या हमारे सबके साथ ऐसा नहीं होता? तो वास्तव में उदासीनता क्या है, इसका जन्म कहां से होता है, इससे छूटने का उपाय क्या है? उदासीनता वास्तव में मन की ऐसी स्थिति का नाम है जब हमें अपनी तकलीफों अपनी कठिनाइयों का कारण बाहर दिखाई देता है। हम कहते हैं कि समाज बुरा है, नौकर या स्वामी गलत है, पति या पत्नी का बर्ताव अनुचित है, जीवन की परिस्थितियां प्रतिकूल है, वक्त हमारा साथ नहीं दे रहा, वगैरह वगैरह। और जब दुख का कारण बाहर होता है तो उसको बदलने का हमारे पास कोई मार्ग नहीं होता। क्या ये सत्य नहीं? हम समय को किस प्रकार बदल सकते हैं, परिस्थितियों में कैसे परिवर्तन ला सकते हैं हम? अर्थात हम स्वयं को निस्सहाय मानने लगते हैं और वहीं से उदासीनता का जन्म होता है। क्या ये सत्य नहीं? प्रश्न ये है कि क्या हमारी सारी विपदाओं का कारण बाहर है या स्वयं हमारे भीतर है? हमारे बुरे हालात क्या दूसरों के कारण है? क्या हमारा परिवार हमारा शत्रु है? क्या समाज दुश्मन है? या हमारी परिस्थितियां हम स्वयं निर्मित करते हैं? विचार कीजिए, पतझड़ में पत्ते गिरा देने वाली ठंड क्या वृक्ष के साथ दुश्मनी कर रही है? नहीं, ऋतु चक्र तो अपना कार्य करता है, उसे पेड़ के साथ ना दुश्मनी है ना दोस्ती। ऋतु चक्र के अनुकूल हो जाना वृक्ष का कर्तव्य है। ठीक वैसे ही समाज कभी किसी व्यक्ति का ना मित्र होता है ना शत्रु। समाज को जिससे लाभ मिलता है समाज उसका मित्र बन जाता है। अर्थात समाज प्रतिकूल तब बनता है जब हम समाज के प्रतिकूल बनते हैं। वैसा ही व्यक्तियों के बीच में भी होता है। हम जिसे प्रेम करते हैं वो हमें प्रेम देता है, हम जिसे लाभ देते हैं वो हमें लाभ देता है। हमारे हालात बदलने के लिए हमें स्वयं अपने आप में परिवर्तन करना पड़ता है। इतना समझ लेने पर स्वयं में परिवर्तन करना कठिन नहीं? अर्थात जीवन में उदासीनता का कोई कारण ही नहीं, केवल अपने आप में परिवर्तन करना पर्याप्त है। अवश्य विचार कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा, मनन कीजिएगा।